यहाँ भाई आगे जो है ना रास्ता ब्लॉक किया था, शायद कोई पहले ट्रैक्टर वगैरह एक्सीडेंट हुआ था। सो वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दानिश है। तो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया से होंगे, तो मैं भी एकदम बढ़िया से। तो फिलहाल गाइस आज जा रहे हैं हम एक छोटी सी राइड पर। तो हमारे साथ आज फिर एक स्प्लेंडर और साथ में है वो पल्सर 180, ठीक है। तो स्प्लेंडर तो कासद की है, ये वाली पल्सर तो हमारी है भाई। बाकी तो मैंने व्लॉग वगैरह पूरे डे का कुछ बनाया नहीं, तो आज फिलहाल चलते हैं आज बाइक पर, मोटो व्लॉग ही थोड़ा मुझ कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं वीडियो में बने ना, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी से लाइक कर दो, और जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। देखो फिलहाल मुझे तो कोई भी नहीं चलाने के लिए दे रहा, मैं बैठता हूँ पीछे, इनके पीछे बैठता हूँ, ठीक है ना। चलो चलो, आज भाई काफ़ी दिन के बाद ही आए हम बाइक चलाने के लिए, है ना गाइस, काफी दिन के बाद आए ना भाई। इसको मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल स्लो चला, लेकिन मानता ही नहीं, क्या करें भाई। आजकल के लड्डू को पता नहीं क्या हुआ है, इनको स्पीड चलानी ही चलानी है बाइक। वैसे जब मैं बैठता हूँ ना बिल्कुल नॉर्मली चलाता हूँ। अबे आंख में मच्छर पड़ गया भाई, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है आंख में, जब मच्छर वगैरह पड़ जाते हैं ना भाई के पास, तो हेलमेट जो है ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब जो फिलहाल हम है छोटी सी राइड पर जा रहे हैं, ठीक है ना, तब भी मैंने हेलमेट वगैरह कुछ नहीं पहना, लेकिन हेलमेट जो है ना बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है, हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है भाई। देख सकते हो अभी अपनी सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। छोटे का लीन चेक कर रही हो भाई, स्प्लेंडर है भाई, स्प्लेंडर पर बंदा 60 पर मीटर ले जा रहा है। अभी फिलहाल जो है ना बाइक मैंने ले लिया, मेरे कास्ट को बोला कि यहाँ रोड जो है ना बहुत ही गंदी है यार, मुझे चलाने के लिए दे, मुझे डर लग रहा है पीछे इसके बैठकर भाई, पता नहीं क्यों। यहाँ एक बार मेरी पल्सर जो है ना उठी हो गई थी भाई, खतरनाक वाली। अभी फिलहाल इसको आराम आराम से निकालना पड़ेगा, बहुत ही गंदी भाई, बहुत गंदी ऑफ रोड है यहाँ। ऑफ रोड क्या है, तो रोड ही है भाई, लेकिन रोड की जो हालत है ना बहुत खराब है, बहुत बुरी कंडीशन हुई है रोड की। आई गो, देख सकते हो एक से एक ऊपर जो है ना मोड़ खतरनाक आता है, एक से एक ऊपर देखो, बिल्कुल आराम से भाई, धीरे धीरे से निकालनी पड़ेगी। ये देखो भाई यहाँ से एक बार ये चेक मार, ओह माय गॉड, हम चलेंगे बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है ना। भाई कासद को काले आ जाती हैं, पता नहीं कौन करता है इसको इतने फोन, यार रुकना पड़ जाता बार बार। देखो फिलहाल ये चेक मारा भाई, सबसे खतरनाक वाला जबड़ा इधर भाई, जब पहले दिन चलाई थी ना इसकी ब्रेक जो है बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आज इसकी ब्रेक जो है ना एकदम भाई दाने पर रखी है, दाने पर, ठीक है ना, ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी होती है बाइक की। यहाँ भाई आगे जो है ना रास्ता ब्लॉक किया था, शायद कोई पहले ट्रैक्टर वगैरह एक्सीडेंट हुआ था, आज नहीं हुआ था, कोई पहले हुआ था, तो उस वजह से जो है ना रास्ता आज बंद किया था। फिलहाल हमारी बाइक तो साइड से निकल गई, हमने उठाकर निकाल ली भाई, भाई छोटी सी है स्प्लेंडर है भाई, स्प्लेंडर का एक ये भी फायदा होता है ना, जहां से मर्जी उठाकर निकाल लो। यहाँ भाई सिंगल रोड है, बिल्कुल सिंगल एकदम, ठीक है ना, मोड़ में थोड़ा सा रिस्क है बंदे को। अभी फिलहाल भाई हम निकले हैं वापस के लिए, यार जिस काम के लिए गए थे हमारा वो तो वायरिंग, एक एयरफोन जरूरत था उसके लिए गए थे, आप देख रहे हो छतरा लाए थे, ठीक है। एयरफोन फिलहाल हमें जो है ना मिला ही नहीं भाई, कोई शॉप ही नहीं इधर अच्छी सी जहाँ हमें एयरफोन अच्छे अच्छे मिले, एयरफोन थे बट वो 100-150 वाले यार, उनकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार सी होती है।
फाइनली हम आ गए वापस। ठीक है भाई, वो जो रोड थी ना भाई चित्राल वाली, बहुत गंदी रोड थी, कसम से बता रहा हूँ, बहुत गंदी। अभी फिलहाल आ चुके हैं हम एकदम मेन रोड पर, चलते हैं हम घर की तरफ। का फ्रंट वाला टायर जो है एकदम भाई स्लिपरी स्लिपरी सा है, ठीक है, एक नंबर हो गया था, एकदम जो है ना स्लिप मारता है इसका फ्रंट टायर जो है। ऐसी जगहों पर खास करके बिल्कुल आराम से निकालनी पड़ती है। अभी फिलहाल भाई हमने ले लिए दुकान से केले, केले खाने के। क्या होता है जी, पता है क्या होता है केले खाने, कोई पता नहीं कोई पता नहीं भाई, इसको भी केले खाने से क्या होता है। ठीक है, तू बना वीडियो, मैं खा लेता हूँ, ठीक है। <दुकान जाना। laughs>